सुकमा जिला के प्रवास पर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने किया चुनाव प्रचार। बस्तर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। दो दिवसीय सुकमा जिला के प्रवास पर तोंगपाल, छिंदगढ़, सुकमा, दोरनापाल, कोंटा मंडल का प्रवास कर महेश कश्यप ने भाजपा पर और अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान कांग्रेस के गढ़ व कांग्रेस प्रत्याशी वासी लखमा के क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार की और अपने लिए समर्थन मांगा। निदान कोंटा में भाजपा सदस्यों के साथ भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने बाइक से कोंटा शहर का भ्रमण भी किया। बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाला हमारे बस्तर का आदिवासी बेटा था, हमारा भाई था, हमारा इस बस्तर का एक किसान था। ऐसे लोगों का शहादत हुआ, मैं उनका आत्मा को नमन करता हूँ। लेकिन उसी घटना में मोटरसाइकिल लेके भाग के आता है और लगातार इस क्षेत्र में चुनाव जीतता है। ऐसे लोगों के कारण बस्तर पूरे देश में बदनाम है, ऐसे लोगों के कारण बदनाम है। अगर हमारा कोई भाई जेल जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार यही लोग है। हमारे भाई को कोई गोली लग रहा है, जिम्मेदार यही लोग है। तो ऐसे लोगों को अगर सांसद बना के आप गोली भेजेंगे तो बस्तर का क्या गति हुआ आप सबको तय करना है। हमने बनाना है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में हम सबको अपना जिम्मेदारी निर्वहन करना है। और भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी की तरफ से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और इसीलिए संभव है क्योंकि हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मेरे जैसे आपके हम सब जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी भारत देश का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और वो भारतीय जनता पार्टी है जो आजादी के 77 वर्ष के अंदर 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को, 60 साल शासन करने वाले कांग्रेस पार्टी को आज ऐसे मजबूरी में ला खड़ा कर दिए हैं। उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और आज कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। वही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने चुनाव मैदान से भाग के राज्यसभा में भाग चुकी है। कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी राहुल गांधी अपने पुष्करणी से बाप दादा परदादा अमेठी से चुनाव लड़ते थे, वो बायनाल भाग चुके हैं केरल। क्यों भागे हैं? क्योंकि वहां पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन का सहायता मिलेगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वहां टीवी में लाइव दिखा रहा था कि राहुल गांधी के रैली में पीएफआई का झंडा देखा गया। और ये भी आप सबको मालूम है बस्तर जिला का वर्तमान सांसद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी चुनाव मैदान में भाग चुके हैं। लेकिन अंतिम समय में कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए क्योंकि मैं दूसरा बार आया हूं कोलकाता में, इसीलिए अंतिम समय में दो दिन नामांकन का डेट बजा था। अंतिम समय में कवासी लखमा दादी को टिकट दिया गया क्योंकि 2000 करोड़ रुपया का शराब का आरोपी है और उनके पास 2000 करोड़ रुपया का शराब का पैसा रखा हुआ है। हम सबको मालूम है हमारे कोई आम व्यक्ति 10 बोतल 20 बोतल शराब अपने घर में रखता है, अपने शादी में आती है, हमको सजा दिया जाता है। लेकिन 2000 करोड़ रुपया के शराब घोटाले के आरोपी कवासी लखमा आज घूम रहा है, उसके खिलाफ FIR हुआ है, आने वाला समय में उसको भी जेल जाना पड़ेगा।